हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं अवर हाउसवाइफ का लास्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हमने सुना था श्री का किडनैप हो गया था। जान इस सब की वजह मिसेस सुसन पर ही दे रहा था। अब आगे की स्टोरी। मिस्टर वांग मिसेस सुसन को कार पर बैठने में हेल्प कर रहे थे। मिसेस सुसन जैसे ही होश में आते हैं वो याद करने लगते हैं कि क्या हुआ था। वो मिस्टर वांग पर चलाते हुए कहते हैं, इन प्लीज़ पुलिस में रिपोर्ट करो, वो यांगजी बीच मेरी ग्रैंड डॉटर को किडनैप कर लिया है। मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो जान से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। वो मेरी ग्रैंड डॉटर को मार डालेगा। मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ कि उसने ये सब कुछ किया, मगर प्लीज़ पुलिस में रिपोर्ट करो, सभी को खबर कर दो। जान तो बिल्कुल भी मुझ पर भरोसा नहीं करेगा, इतने सालों तक वो मेरे हाथों बहुत ज़्यादा सफर हुआ है, वो तो मुझे ही ब्लेम करेगा। मिस्टर वांग ने ऑलरेडी पुलिस को खबर कर दिया था और उसने जान को भी बता दिया था। उसी समय जान घर के अंदर आता है। जब वो देखता है कि मिसेस सुसन कंफर्टेबली बैठे हुए हैं, उसका गुस्सा तो और बढ़ जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, तुमने ये सब क्यों किया, बताओ मेरी बेटी कहाँ पर है। तुम मुझे इतना ज़्यादा नफरत करते थे कि अपनी ही ग्रैंड डॉटर को इस तरह हार्म करने के लिए सोच लिए। मैंने तुम पर भरोसा किया, मेरी बेटी ने तुम पर भरोसा किया, मगर तुमने सब कुछ तोड़ दिया। मेरी बेटी कहाँ पर है, तुमने क्या मुझे पहले की तरह बेवकूफ़ समझ कर रखा है कि तुम्हारे जाल में फंस जाऊँगा। नहीं, मुझे पता है मेरी बेटी को तुमने ही किडनैप किया है, कहाँ पर है बताओ। जान तो किसी के पास सुनने के लिए तैयार भी नहीं था। वो तो ये भरोसा भी नहीं कर पा रहा था कि उसकी प्रिंसेस बेटी कहीं पर मिसिंग हो गया है और वो पूरी तरह हेल्पलेस है। वो मिसेस सुसन को गले को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, बताओ मेरी बेटी कहाँ पर है, मैं प्रॉमिस करता हूँ यहाँ से चला जाऊँगा, कभी भी वापस नहीं आऊँगा, यहाँ तक तुम्हारे बेटे के पास भी नहीं आऊँगा। प्लीज़ मुझे मेरी बेटी दे दो, बताओ वो कहाँ पर है प्लीज़। ये कहकर वो मिसेस सुसन के गले को टाइटली पकड़ लेता है। मिसेस सुसन कुछ भी नहीं कहते थे, वो उन्होंने फाइट बैक भी नहीं किया। उन्हें पता था वो ये सब कुछ डिजर्व करते हैं, ये उन्हीं की कर्मों की सजा है। उन्हें बहुत ज़्यादा डिजी फील होने लगता है। अगर जान अब उसे मार भी डाले तो वो भी माइंड नहीं करेंगे। उनके मुंह से बस एक ही वर्ड आता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। इबो जैसे ही देता है कि मिसेस सुसन को जान मार ही डालेगा, वो जान को मिसेस सुसन से दूर करता है और उन्हें टाइटली गले लगा लेता है। जान अब बड़ी जोर से रोने लगता है, बेबी प्लीज़ अपने आप को संभालो, तुम क्या मेरी मदर को मार डालोगे, आई एम सॉरी, इस सब की वजह मैं हूँ, तुम मुझे मार डालो, मगर प्लीज़ अपने आप को हर्ट करना बंद करो। मिसेस सुसन कार पर बैठकर बड़ी जोर से सांसें ले रहे थे। जान चिल्लाते हुए कहता है, बस मुझे ये परमिशन दे दो, मैं तुम्हारी मदर को मारना चाहता हूँ, मैं बस तुम्हारी मदर को मारना चाहता हूँ, मेरी बेबी कहाँ है बताओ। ये कहकर वो बड़ी जोर से रोने लगता है। मिसेस सुसन इबो की तरफ देखते हैं, इबो जो उन्हें क्लियर दे रहा था, बेटा प्लीज़ मुझ पर भरोसा करो, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, मैं तो बस श्री के लिए कुछ जूस लाने के लिए गया था। जब मैं वापस आया यांगजी ने उसे किडनैप कर लिया था, मैं कुछ एक्शन ले पाऊँ उससे पहले ही उसने मुझे हिट किया, जिसके वजह से मैं अनकॉन्शियस हो गया। मुझ पर भरोसा करो, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, मैं अपनी ग्रैंड डॉटर को हार्म करने की सोच भी नहीं सकता, आई स्वेयर, मुझ पर भरोसा करो। वो सभी के सामने रिक्वेस्ट करने लगते हैं। इबो और उसके सारे दोस्त मिसेस सुसन के बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन सबको पता था कि मिसेस सुसन जान को बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं और बचपन से उसे बहुत ज़्यादा हार्म किए हैं। सोफी इबो को कहता है, ब्रदर इन लॉ प्लीज़ जान को प्रॉपरली बिठाओ, वो बहुत ज़्यादा बीमार है। जान जैसे ही बैठ जाता है, सोफी उसके पास बैठते हुए कहती है, मैं प्रॉमिस करता हूँ हम लोग श्री को ढूंढ लेंगे, प्लीज़ तुम मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, मगर अपने आप को संभालो प्लीज़,
इसे थोड़ा सा पी लो, बॉय कहकर उसकी तरफ जूस देने लगता है। जान तो वो जूस पीना नहीं चाहता था। वो उसे दूर करते हुए कहता है, मुझे नहीं परवाह है, मुझे बस मेरी बेटी चाहिए। वो मेरी बेटी को मार डालेगा, उसने मेरी बेटी को लेकर कहाँ गया है, वो चाहता क्या है, मुझे बस मेरी बेटी चाहिए। सोफी जान को कम डाउन करने की कोशिश करता है। इबो भी जान के पास जाकर उसे कम डाउन होने के लिए कहता है, मगर जान तो इबो पर ही गुस्सा हो जाता है। तुम्हारी एक्स वाइफ मेरी बेटी को लेकर कहाँ गया है, तुम्हें कैसे नहीं पता, मुझे बस मेरी बेटी चाहिए। उसी समय एक अननोन नंबर से कॉल आता है। मिसेस हुसैन उस कॉल को उठाने के लिए कहते हैं। जान जैसे ही वो कॉल उठाता है, जिसमें से श्री रोते हुए कहती है, मामा प्लीज़ मुझे बचाओ या आंटी मुझे मार डालेगी, ये कहकर वो बड़ी ज़ोर से रोने लगती है। जान श्री की आवाज़ सुनकर वो बस रोते हुए कहती है, श्री बेबी तुम कहाँ पर हो। उसी समय एक हंसने की आवाज़ आता है। जान तो यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसे पता था ये यांगजी ही है। यांगजी फ़ोन को लेते हुए कहता है, तुम हाउस बॉय, तुम्हें कैसा फील हो रहा है, तुम डर रहे हो या फिर रो रहे हो, मैं तो बस यही चाहता था, मुझे पता नहीं था तुम्हारी एक बेटी भी है जो बहुत ज़्यादा अनोइंग है, अब वो मुझे इरिटेट भी कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग है, मैं बस इसे रिलीफ फील पाना चाहता हूँ, मैं उसे अभी मार डालूँगा। जान की तो सांसें भी अटक जाता है। वो रोते हुए यांगजी से रिक्वेस्ट करने लगता है, प्लीज़ मेरी बेटी को छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं करने के लिए रेडी हूँ, प्लीज़ मेरी बेटी को छोड़ दो, उसने कोई भी गलती नहीं किया है, अगर मैंने कोई भी गलती किया है तो उसकी सज़ा मुझे दो, प्लीज़ मेरी बेटी को छोड़ दो। यांगजी तो जैसे विक्ट्री से स्माइल देने लगता है। वो तो बस यही चाहता था। जान को रोते हुए उसके सामने रिक्वेस्ट करते हुए वो तो बस यही चाहता था कि उसके सामने निडन होकर जान बस अपनी जान की भीख मांगे। यांगजी तो एक पागल थी जो बस जान को रोते हुए देखकर उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। यांगजी कुछ देर बाद कहती है, ठीक है अगर तुम अपनी बेटी को सही सलामत देखने चाहते हो तो फिर सिटी के पूरे अंत में जो ब्रिज है वहाँ पर आ जाओ और वहाँ पर अकेला ही आना, पुलिस को कॉल करने की या फिर किसी की भी हेल्प लेने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो आई प्रोमिस जान तुम आखिरी दम तक रोने वाले हो, खून के आंसू रोने वाले हो और इस बात पर रिग्रेट करोगे कि तुम्हारा जन्म ही क्यों हुआ था और इस बात पर रिग्रेट करोगे कि तुमने इबो से क्यों प्यार किया। अब मेरे पास ज़्यादा वक्त भी नहीं है, तुम्हारा टाइम स्टार्ट नाउ, ये कहकर वो एक विकेट की तरह हंसने लगता है। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। जान तो बस रोते हुए नीचे गिर जाता है। इबो जान को पकड़ते हुए कहता है, क्या हुआ, उसने क्या कहा। इबो अब सब कुछ देने के लिए तैयार था, वो बस अपनी बेटी को सेफ देखना चाहता था। जान रोते हुए कहता है, मैं ही क्यों, हमेशा मैं ही क्यों, ये कहकर वह खड़े हो जाता है। मुझे जाने दो, मुझे मेरी बेटी के पास जाना है, उसने कहा है अकेला आने के लिए, अगर मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया या फिर किसी की भी हेल्प लिया तो वो मेरी बेटी को मार डालेगा, प्लीज़ मुझे जाने दो, ये कहकर वो कार के की लेकर वहाँ से जाने लगता है। इबो तो बस पीछे से चिल्लाते हुए रह जाता है, मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं उसे नहीं खो सकता, फिर से नहीं, मैं अपनी फैमिली को फिर से नहीं खो सकता, ये कहकर पीछे मुड़ के देखने लगता है जहाँ पर मिसेस हुसैन नहीं थे। डेरियन तो चिल्लाते हुए कहता है, मदर कहाँ पर है, अगर मुझे थोड़ा सा भी पता चला कि इसमें इनका कोई हाथ है तो आई स्वेयर मैं उन्हें मार डालूँगा, थोड़ा सा भी हेजिटेट नहीं करूँगा। उसी समय मिस्टर वांग का फोन रिंग होता है। जब वो देखते हैं वो मिसेस हुसैन का था। मिसेस हुसैन कहते हैं, तुम इबो को बताओ मेरे कार में जीपीएस लगा हुआ है, मैं जान को फॉलोअप कर रहा हूँ और तुम सभी मेरे पीछे आ जाओ। इबो और उसके सारे दोस्त अभी वहाँ से जाने लगते हैं। मिस्टर वांग
मिस्टर मांडी को कॉल करते हुए सारी बातें बता देते हैं और वो भी वहाँ से जाने लगते हैं। इबो तो कोई ट्रैफिक का रूल भी नहीं मानता, वो बस स्पीड से कार चलाने लगता है। दूसरी तरफ जान जिससे ही वो ब्रिज पर पहुँचता है, वो तोड़ के जाकर यांग जी की तरफ जाने लगता है। वो देखता है यांग जी श्री को एक रस्सी से बांध कर उसे पकड़ के रखा है। जान तो अपनी बेटी की इसी कंडीशन देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगता है। उसने आज तक अपनी बेटी को हाथ भी नहीं लगाया और कोई आकर उसकी बेटी को इस तरह रस्सी से बांध के रखा है, जिसे देखकर जान तो पूरी तरह हार्ट ब्रोकन हो जाता है। प्लीज़ उसे हर्ट मत करो, तुमने कहा था आने के लिए, मैं आ गया हूँ, प्लीज़ उसे जाने दो। यांग जी वो एक छोटी सी बच्ची है, उसे हर्ट मत करो, उसे जाने दो, तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो। यांग जी अपनी आंखें को रोल करते हुए गन दिखाते हुए कहता है मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूँ, तुमने पुलिस को कोई इन्फॉर्म नहीं किया या फिर किसी की हेल्प नहीं ली। जान तो बस रिक्वेस्ट करने लगता है मुझ पर भरोसा करो, आई स्वेयर मैंने किसी को भी नहीं इन्फॉर्म किया है, मैंने किसी को नहीं बुलाया है, प्लीज़ मेरी बेटी को जाने दो। यांग जी टेबल से स्माइल देते हुए कहता है ठीक है तो फिर मैं जो कह रही हूँ तो वही करो, तो मुझ ब्रिज से जंप करो। जान तो ये बस सुनकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। तुम श्योर हो मैं एक काम करो, यांग जी हंसते हुए कहता है तुम किसका वेट करो, जल्दी से तुम कूदो या फिर मैं तुम्हारी बेटी को धक्का दे दूँ। जान कहता है नहीं नहीं मैं कूदने के लिए रेडी हूँ। यांग जी कहती है जल्दी करो, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत है, मैं बस तुम्हें मरते हुए देखकर मुझे खुशी मिलेगी, तुम जल्दी से जंप करो नहीं तो मैं इसे फेंक दूँगी। जान बिना टाइम वेस्ट के वो जंप करने ही वाला था कि दूसरी तरफ कोई बस उन लोगों को नज़र रख रहा था जो मिसेस सुसेन थे। जब वो देखता है यांग जी का नज़र दूसरी तरफ है तो वो पीछे से धक्का देकर श्री को यांग जी से दूर कर देती है और जान को कूदने के लिए मना कर देते हैं। यांग जी का पैर स्लिप करने के वजह से वो ब्रिज से नीचे गिर जाता है। वो गिरते वक्त मिसेस सुसेन के ड्रेस को पकड़ लेता है, जिसके वजह से मिसेस सुसेन भी ब्रिज से नीचे गिरने वाले थे कि वो ब्रिज को टाइटली पकड़ लेते हैं और यांग जी मिसेस सुसेन के पैरों को, जिसके वजह से मिसेस सुसेन के हाथों स्लिप करने वाला था। दूसरी तरफ जान वो नीचे उतरने ही वाला था कि वो ब्रिज से उसके पैर लगने के वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसके बेली में बहुत जोर से हीट होने के वजह से उसे ब्लीडिंग होने लगता है। वो इसे बिना केयर किए हुए वो मिसेस सुसेन के पास जाकर उनके हाथ को पकड़ते हुए कहता है नहीं मदर आप इस तरह मत कीजिए, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए, आप मेरे हाथ मत छोड़िएगा। जान तो खून की उल्टियाँ भी करने लगा था मगर जान को इस सब की कोई भी परवाह नहीं था, वो बस मिसेस सुसेन को बचाना चाहता था। मिसेस सुसेन जान के फेस को केयर करते हुए कहते हैं जान मेरा बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं बस जेलस था, तुम्हारे फादर ने तुम्हारे मदर से क्यों शादी की। जान पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है तो मिसेस सुसेन पूरी क्लैरिटी देते हुए कहते हैं मैं तुम्हारे मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करता था मगर उसने जब तुम्हारे फादर से शादी की तो मुझे बहुत ज़्यादा जेलस होने लगा, मगर जब मुझे रिसेंटली पता चला कि वो भी मुझे प्यार करती थी और वो तुम्हें मेरे लिए ही जन्म दिया है, तुम मेरे बेटे हो, इसे मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरे बेटे हो। जान रोते हुए कहता है मदर मैं आपको ऑलरेडी माफ़ कर चुका हूँ, मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं बस इनसिक्योर था, अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा डरा हुआ था इसीलिए उस तरह की बातें की, मगर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, मगर मदर प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए। मिसेस सुसेन के फेस में एक रिलीफ सा स्माइल आ जाता है, वो जान को केयर करते हुए कहते हैं मुझे माफ़ करने के लिए थैंक यू और यांग जी की तरफ देखते हुए कहते हैं तुम डेविल क्या तुम जिन्ना रहना चाहते हो। यांग जी तो चिल्लाते हुए रह जाता है,
जान, मदर प्लीज़ इस तरह मत कीजिए, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे ज़िंदा रहना है, प्लीज़ कोई हमारी हेल्प करे। मिसेस सुसन तो एंग जी को इग्नोर करने लगते हैं और वो जान की तरफ देखते हुए कहते हैं, आई लव यू माई ब्यूटिफुल हाउस बॉय, तुम्हारे मदर और मैं एक दूसरे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तुम मेरा गिफ्ट हो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम मेरी लाइफ हो, अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते हुए रहना। यह कहकर वो अपने हाथ को जान से छुड़ाने लगता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। जान तो बस चिल्लाते तो हुए रह जाता है, वो बेहोश होकर गिरने ही वाला था कि इप्पो उसे पकड़ लेता है। श्री भी अपने फादर को देखकर वो इप्पो को गले लगा लेता है। अब इप्पो जान को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है, वो तो पूरी तरह हार्ट ब्रोकन हो गया था। मिसेस सुसन की जब डेथ की न्यूज़ मिली, उन्होंने अपनी जान देकर जान की जान बचाया था, वो इसलिए बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था। उसी तरह 3 महीने बीत जाते हैं। जान अभी भी मिसेस सुसन को याद करते हुए साइलेंटली रो रहा था, मुझे अपने मदर के लिए बहुत ज़्यादा बेरा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपने मदर को मार डाला, मेरे वजह से ही उनकी डेथ हो गई, मदर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इप्पो भी जान को मनाने लगता है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, मदर ने अपने हाथ खुद छुड़ाया था, वो बस तुम्हें यांग जी से बचाना चाहता था, अगर उन्हें कभी मौका मिला तो वो फिर से करने के लिए भी रेडी होंगे, वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा गिल्टी थे और सॉरी फील कर रहे थे। ये कहकर वो जान को जेंटली किस करने लगता है। जान अपने आंसुओं को वाइप करते हुए कहता है, मैं भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आई प्रोमिस आज के बाद मैं हमेशा खुश रहूँगा और अपने बेबी के लिए मैं खुश हूँ, मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। इप्पो जान के लिप्स पर डीपली किस करने लगता है और उसके निपुल को सक और लीक करने लगता है। जान तो बड़ी जोर से मौन कर रहा था। उसी समय श्री अपने पेरेंट्स के रूम में आने ही वाला था कि सोफी उसे रोक लेती है, आंटी डैडी ना मामा को मार रहे हैं, देखो वो कितने जोर से चिल्ला रहे हैं। सोफी रैकलेस मेक करते हुए कहते हैं, इसे खुशी की चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हारे डैडी मामा का ख्याल रख रहे हैं, उन्हें नहीं मार रहे हैं, चलो यहाँ से चलते हैं। मगर श्री रोते हुए कहती है, नहीं वो रो रहे हैं। मगर सोफी श्री को समझाते हुए वहाँ से लेकर जाने लगती है, तुम्हें इस तरह डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और वो डोर को नॉक करते हुए कहती है, अपनी वॉइस धीरे करो, ये बहुत ज़्यादा सेमलेसली है, इतने ज़ोर से चिल्लाना क्या ज़रूरत है। जान कहता है कि मैं बहुत जोर आवाज़ कर रहा हूँ। इप्पो कहती है, तुम उनकी बातें मत सुनो, तुम बस मेरे लिए मौन करो। ऐसे ही और कुछ दिन बीत जाते हैं। जान उसके सारे दोस्त डेरियन सभी बीच पर बैठे हुए थे। जान अपने आप से बात करते हुए कहते हैं, मैं अब खुश हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो बस बैठकर वो और अपनी बेटी को हंसते हुए देख रहा था। उसके पूरे फैमिली जब वहाँ पर थे, डायलन उसका बेस्ट फ्रेंड और उसकी वाइफ संज्ञान जो उसे हमेशा प्यार करता था, वो भी अपने बॉयफ्रेंड और अपने दोनों बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। खुशुक और युक्सन वो दोनों भी अपने बेटे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। युक्सन तो कभी भी बेबी बर्थ नहीं दे सकता था, इसीलिए बोलो सौरव किसी से उनका बेटा हुआ था और कोई स्पेशल नहीं होता। डेरियन और उसकी बहन सोफी वो दोनों भी बहुत ज़्यादा खुश थे, वो दोनों पहले की तरह ही सेमलेस लिए, जिससे के वजह से उनका घर आज भी फुलफिल लग रहा है। जान उन दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अब वो बहुत ज़्यादा खुश था। इप्पो कहता है, जान क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो। जान कहता है, कुछ नहीं, मैं बस अपने दोस्तों और फैमिली को देख रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इप्पो कहता है, मैं तुम्हें खुश देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आई लव यू माई जान जान। जान कहता है, आई लव यू टू। उसी समय श्री अपने लिप्स को दिखाते हुए कहता है, मैं भी, मुझे भी चाहिए।
जान अपनी बेटी की तरफ देखकर उसके लिप्स में किस करते हुए वह हंसने लगता है। श्री कहती है, डैडी चलो देखो ना संगेन अंकल डायलन अंकल किस तरह अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, आप भी चलिए हम लोग खेलते हैं। टिपो जान को केस करते हुए अपनी बेटी के साथ चला जाता है। सोफी कहती है, तुम्हें भी उन्हें ज्वाइन करना चाहिए। जान कहता है, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, बाद में खेल लूँगा। ये कहकर अपने मन में सोचने लगता है, मेरा नाम शाह जान है, नहीं नहीं वांग जान, मैं कभी वांग मेंशन में हाउस बॉय था, अब वो मेरा घर है। फादर ने डिसाइड किया है कि वो दूसरे शादी करेंगे, हम सब ने उनकी बातों पर एग्री कर लिया है, मगर वो कभी भी दूसरे मिसेस उसे नहीं बन सकते। आई प्रोमिस अगर उसने मुझे कुछ भी हिट करने की कोशिश की तो मैं उसे मार डालूँगा, उसे बताऊँगा कि वो घर अब मुझे बिलोंग करता है, अब मैं उस मेंशन का बॉस हूँ, मैं बस अपने बो का हाउस बॉय हूँ और किसी का भी नहीं। यहीं पर ही ये स्टोरी ख़त्म होता है। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी थी मगर उसकी एंडिंग उतनी ही अच्छी, आई होप आप सभी को अच्छी लगेगी। इसके बाद मैं एक वांगसन का शॉर्ट स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो मेरी खुद की स्टोरी है, लव ट्रायंगल। आई होप आप सभी को पसंद आएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।